नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल द बेफ पर। तो आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी सीखने और सफलता के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आज हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग चुनौतियों का सामना करने में क्यों आनंद लेते हैं और जबकि कुछ लोग इससे दूर भागते हैं? या फिर कुछ लोग मेहनत को क्यों सफलता की कुंजी मानते हैं जबकि कुछ लोग मेहनत करने को कमजोरी भी समझते हैं? तो ये डिपेंड करता है उनके माइंडसेट पर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि माइंडसेट होता क्या है। तो मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो माइंडसेट हमारे थॉट और दृष्टिकोण का सेट होता है जो जिसमें हम अपनी नॉलेज या क्षमताओं के बारे में रखते हैं। डॉक्टर डेवेक के अनुसार मुख्य रूप से दो माइंडसेट वाले व्यक्ति होते हैं। एक तो फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति जो कुछ करना ही नहीं चाहता, एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति जो आगे बढ़ता ही रहना चाहता है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इन दो माइंडसेट वाले व्यक्तियों के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे फिक्स माइंडसेट वाले व्यक्ति। तो जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं वो कभी मेहनत नहीं करना चाहते। वह यह सोच लेते हैं कि जन्म से जो उन्हें मिला है वो ही निश्चित है, उससे आगे वो नहीं मिल सकता। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति इनसे बहुत अलग होते हैं। फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति कभी भी अपने आप को बदलना नहीं चाहता। मतलब अगर वो गरीब है तो वो गरीब ही रहना चाहता है, अमीर है तो अमीर ही रहना चाहता है, आगे नहीं बढ़ना चाहता। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि कोई मज़दूर व्यक्ति है, अगर वो फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति है तो वह यही सोच लेता है कि उसका बच्चा बड़ा होकर उसके जैसा ही मज़दूर बनेगा। वह यह नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा क्या करना चाहता है। वह पढ़ लिख कर बड़ा या अमीर व्यक्ति बनना चाहता है या फिर उसके ही जैसा मज़दूर बनना चाहता है। तो आप इस बात से यह समझ सकते हैं कि फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति ना तो कभी हार्डवर्क करता और ना ही किसी को करने देता, क्योंकि वह कोशिश करने से बहुत डरता है और चैलेंजेस लेने से भी बहुत डरता है। क्योंकि कोशिश अगर कोई करता है तो उसमें असफल भी होता है और सफल भी होता है। तो वो असफल होने से बहुत डरता है और फीडबैक को वो हमले के रूप में लेता है। अगर कोई व्यक्ति उन्हें फीडबैक दे रहा है तो वो उसे हमले के रूप में लेता है। वो कभी भी उसमें अपनी गलतियां और अच्छाइयां नहीं देखता और वह अपने आप को दूसरों से तुलना करता है, जबकि यह करना गलत है। अब बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति के बारे में। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं और अपनी नॉलेज गेन करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क होते हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि आजकल की यूथ या जनरेशन बहुत ही ज़्यादा सीखना चाहती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सक्सेस होना चाहती है। वह अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखती है, लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। उसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं फेलियर का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति कभी भी फेल होने से नहीं डरते। वह चुनौतियों का सामना निडर होकर करते हैं, जबकि फिक्स माइंडसेट वाले व्यक्ति चुनौतियों से दूर भागता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति ऐसा नहीं करते। वह दूसरों से कभी भी अपना तुलना नहीं करते और दूसरों से आने वाले फीडबैक से अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को देखकर उसमें सुधार करते हैं और नए नए चैलेंजेस लेते हैं और उनमें सक्सेसफुल होने का प्रयास करते ही रहते हैं। इसलिए हम लोगों को अपना माइंड ऐसे कंट्रोल करना चाहिए कि हम अगर किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसे पाकर ही रहें। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो हमें ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति बनना चाहिए। अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो बनना है, कहीं भी विचलित नहीं होना है, ना ही किसी से डरना है, ना ही चुनौतियों से डरना, ना ही किसी से अपनी तुलना करनी है। तो हमें ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।